हेलो फ्रेंड्स, नीलम नरूपा रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम चावल और हरी सब्जियों से भरपूर नाश्ता बनाएंगे जो टेस्टी तो है ही, हेल्दी भी है। तो चलिए ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चावल लिया है। आप कोई सा भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम इसको धोएंगे, तो इस तरह से मैं पानी डाल दूँगी और इस तरह से हिला के इसका पानी निकाल देंगे। मैंने इसको 2 बार धोया था। फिर हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और 2 घंटे के लिए इसको भिगो के रखेंगे। तो इस तरह ढक दिया है मैंने और 2 घंटे तक भीगने देते हैं। 2 घंटे के बाद चेक करेंगे, चावल हमारे भीग के तैयार हो गए हैं और ये फूल भी गए हैं। तो अब हम इसे पीस लेंगे। तो एक मिक्सर जार में मैंने ये चावल डाल दिए हैं। इसके साथ में बाइंडिंग के लिए 3 टेबल स्पून सूजी डाल दूंगी। साथ ही में मैं 1/2 कप दही डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, ये तो हमारा ये बैटर पतला हो जाएगा। अब इसे पीस लेंगे। हमारे चावल ये पीस के तैयार हो गए हैं, देख लेते हैं। देखिए, बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए इसमें, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है बैटर को। तो इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम सब्जियां डालेंगे। तो मैंने ये कद्दूकस करके काजू डाल दी है, एक मीडियम साइज की बारीक कटी शिमला मिर्च डाल देंगे, एक प्याज बारीक काट के डाल देंगे, एक टमाटर बारीक काट के डाल देंगे। इसके साथ में मैं 1/2 इंच अदरक को ग्रेट करके डाल दूंगी और 2 हरी मिर्च को बारीक काट के डाल दूंगी। मिला लेंगे इसको। सब्जियां आप अपने मनपसंद की डाल सकते हैं, आप मटर डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे। तो मसालों में मैं 1/2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डालूंगी और 1/2 चम्मच ही नमक डाल दूंगी। मिला लेंगे मसालों को भी। अब लास्ट में इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल दूंगी। 3 से 4 ड्रॉप इसके ऊपर पानी डाल दूंगी। पानी डालने से बेकिंग सोडा जल्दी काम करना शुरू कर देता है। आप इसकी जगह इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके चीले बनाएंगे। तो इस तरह की मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है, आप तवा पैन या कुछ भी ले सकते हैं। तो 1 से 1.5 चम्मच में इसमें बैटर डाल दूंगी। इसको इस तरह से फैला लेंगे। किनारियों पे थोड़ा सा तेल डाल देंगे। अब इसे ढक करके 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे सिकने देंगे। 1 से 2 मिनट बाद चेक करेंगे, चीला किनारियों पर से अच्छा सिक गया है और ये ऊपर से कलर भी चेंज हो गया है इसका। तो अब इसको पलट लेंगे और इस तरह से प्रेस करके इसको दूसरी साइड से भी सिकने देंगे। किनारियों पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और फिर से ढक के 1 से 2 मिनट तक सिकने देंगे। 1 से 2 मिनट बाद चेक करेंगे, पलट लेंगे इसको। देखिए, चीला हमारा दूसरे साइड से भी अच्छे से सिक के तैयार हो गया है। निकाल लेते हैं इसको एक प्लेट में। अब इसी तरह से बाकी के बचे हुए बैटर से हम चीले तैयार करेंगे। तो इसको एक बार फिर से ग्रीस कर देंगे ऑयल से।
बैटर डालेंगे। चीला आप अपनी पसंद से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। फिर से ढक के 1 से 2 मिनट तक सिकने देंगे। देखिए किनारियों पे से अच्छा सिका हुआ दिख रहा है ना चीला, तो अब क्या करेंगे, इसको ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको पलट लेंगे। फिर से ढक के 1 से 2 मिनट तक सिकने देते हैं। चीला दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक के तैयार हो गया है, निकाल लेंगे इसको। अगर आप हेल्दी नाश्ता खाना पसंद करते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।